और उनके जिंगर बर्गर्स की जो खुशबू है ना वो यहाँ तक जो है वो आ रही है। ब्रेक तो नहीं आ गई थी? हाँ नहीं नहीं, अच्छा ब्रेक आ गई है। ओए होए होए, तो ब्रेक के बाद ये जो फ्राई उन्होंने यहाँ पे बर्गर किए हैं वो आपके सामने जनाब बनाए जाएंगे। जो अरे आप देख रहे हैं, ये तो पकौड़े हैं जिसके मैंने चाय बनवाई थी, मैं पकौड़ा खा लूँ, वापस आएंगे, जिंगर बर्गर आपके सामने यहाँ पे तैयार होगा और साथ में दाना पानी भी, वो तो हो गया, लेकिन निशा जी जो वो बनाएंगी दाल चावल, वो भी आपके सामने होगा। वाह वाह वाह, ना कितने प्यारे जिंगर बर्गर आपने देखे ना, तो ये जिंगर बर्गर आप खा भी सकते हैं जनाब। ये शरीफा जी जो हैं ये स्पेशली बनाती हैं और सैंडविचेस बहुत कुछ बनाती हैं। आप मुझे बताएं आपने कब लगाना शुरू किया? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए, जो कोरोना का जो मसला आया था ना उस वक्त थोड़ा सा ये मसला हो गया था और थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हो गई थी बैक की, वो पानी का काम कर रहे थे ना तो उन्होंने डॉक्टर ने मना किया था कि आप वजन वगैरह नहीं उठाएं। अच्छा, तो उन्होंने उठाना बहुत मसला हो गया था कि मना किया, फिर उन्होंने कहा वजन वगैरह नहीं उठाया, डॉक्टर ने मेरे बैक प्रॉब्लम हो जाएगी आप वजन उठाएंगे जी, तो हम बहुत परेशान हो गए थे, हम क्या करें। हाँ। बहुत परेशान, उनको शेफ का कोर्स उनको सीखे हुए काफ़ी साल हो गया था लेकिन कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए ना। हाँ। तो फिर हम उन्होंने सोच के फिर हमने काम भेज दिया मैंने ना। हाँ। कि मैंने बोला जान से बर्कर नहीं है, आप हो तो फिर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपकी जान से बर्कर कोई नहीं, तो वो हमने वो सेल करके उसी गाड़ी के अंदर हमने बाहर निकले, तो रेंट नहीं भेज सकती थी मैं अपनी दुकानों का रेंट नहीं भर सकती थी। अच्छा। काफ़ी रेंट बहुत महंगा पड़ता। हाँ। तो इसी तरह हमने फूड कार्ट को अपना रेंट गाड़ी बना के बाहर निकले दोनों हस्बैंड वाइफ, हमें काफ़ी मुश्किलात हुई। जैसे मैं समझे आधा कराची घूम चुकी हूँ, मुझे अच्छा। लोगों ने जहाँ मेरा काम अच्छा लगा लोगों ने हटा दिया, थोड़ा काम सेट हुआ तो मुझे लोगों ने हटा दिया कि अब यहाँ से जाएँ यहाँ से जाएँ, बहुत प्रॉब्लम हुई। अभी जहाँ मैं वहाँ खड़ी हूँ ना मुझे वहाँ पर तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ थोड़ी मुश्किलात हैं अभी भी। अभी आप कहाँ लगाती हैं? अभी मैं गुरु मंदिर की तरफ हूँ, गुरु मंदिर सोजे बाजार की तरफ जाएंगे, यामिन कबाब बहुत मशहूर है उनके बिल्कुल सामने लगाती हूँ मैं। भाई गुरु मंदिर से आपने सोजे बाजार की तरफ जाना है तो वहाँ पर आपको इनका जिंगर बर्गर की टाइमिंग्स क्या है? मैं तकरीबन 5:30 बजे तक आती हूँ, 5:30 बजे तक, रात को 2 बजे और रात को 2 बजे तक वहाँ पर मौजूद हैं होती हैं, ये आप देख भी सकते हैं, स्पेशली जो स्टॉल वगैरह लगाती हैं, और बड़ा ज़बरदस्त जनाब इनके जिंगर बर्गर का ये क्या कुछ आपके वहाँ पर मैं देख रही थी कि जब तक मैं वहाँ पे एक सेगमेंट कर रही थी आपने प्रॉपर वो जिंगर बर्गर वैसे तैयार किया, चुप करके खामोशी से आप लगी रहती इतनी तेजी से, तो वहाँ पे आप अकेली होती है, साथ में आपके हेल्पर्स भी होते हैं? मेरे हस्बैंड होते हैं, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फिर वो थोड़ी सप्लाई भी करते हैं, वो करते हैं भी तो और काम भी करते हैं साथ में, मेरे सामान भी मेरे साथ मोरी वही करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर घर में करते हैं। ठीक है, फिर वो गाड़ी खिलाने उनको आती है, मुझे नहीं आती, गाड़ी खड़ते थोड़ी वो करते हैं, फिर मैं घर में थोड़ा सा बच्चों के लिए अपना सब कुछ करके फिर आती हूँ, तो मैं आके कर। आपको पता है मुझे इनकी सबसे प्यारी बात, सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी लगी, इन्होंने हाथों में ना ये ग्लव्स पहने हुए हैं, तो मैं सफाई से जो घर में जो मैं अपने बनाती हूँ घर में अपने बच्चों को सफाई से, सर पे भी इन्होंने स्पेशली टोपी पहनी हुई है कि इनका कोई बाल जो है वो ना गिरे, इन्होंने यहाँ शो में भी इस बात का ख्याल रखा, सफाई जरूर, जब मैं अपने बार भी स्टोर में जब मैं बनाती हूँ खुद ना तो मैं ये चीज़ें करती हूँ। देखिए यही बात है जो हम स्पेशली खवातीन के स्टॉल्स पे जाके खाना खाना पसंद करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है ये हाइजीन का ख्याल रखती हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी पहली बात जी, आपको तो 10 में से 100 नंबर आपके, 10 में से 100 नंबर आपकी। खैर मैं आपको कह रहा बोलूँ कि आप तो ऑलरेडी इतना अच्छा काम करी। अच्छा अब ये भी आप सैंडविच बनाती हैं वहाँ पे, मुझे ये इसको क्या कहते हैं जी? क्लब सैंडविच। क्लब, अच्छा क्लब सैंडविच, चलो जरा क्लब सैंडविच को भी हम जरा कंप्लीट करते हैं जी। बिल्कुल, जिंगर तो आपने बड़ा कमाल बना दिया, कितने का मिल जाता है जिंगर मुझे ये बताएं? जिंगर मेरा 250 रुपये का है ये वाला जिंगर। वाह, भी तो अच्छा खासा चिकन का पीस आपने इसमें डाला था। चलें भाई आप बिल्कुल जाके इनका ये जिंगर जो एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी सॉसेज आपने घर में बनाई हैं आपके अपने हैं? जी मेरे हस्बैंड बनाते हैं। अच्छा हस्बैंड बनाते हैं ये सॉस वगैरह, मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा शुरू में घबराहट हुई आपको लोगों से डील करते हुए? थोड़ा सा मसला होता था लेकिन अभी नहीं होता, क्यों मेरे हस्बैंड साथ हैं, लोग बातें करते हैं लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है कि मैं उनकी बातें सुनूंगी तो मैं अपना घर नहीं चलाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरे बच्चों को तालीम देनी थी। मेरे दो मेरी बच्ची जो है 21 साल की है, बेटा 20 साल का है और एक छोटी 13 साल की है। अच्छा छोटी 13 साल की, बच्चे क्या पढ़े? मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जाना चाह रहा था तो 3 साल उसके जाया गया, नहीं पढ़ा सके, जब मैं बाहर निकली तो उसका वसीला हुआ तो वो यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, और बेटी को मैंने शेफ का कोर्स करवाया, वो फितम से कर रही है, अभी ट्रेनिंग पर लगी भी है। अच्छा कॉफी से कर रही है? तो हाँ, तो मैं ये चाह रही हूँ मेरा शॉप आगे बढ़े थोड़ा, मेरे पास वसाइल हो तो मैं दुकान वगैरह करके मेरी बेटी भी साथ में मेरे साथ करे। इंशाल्लाह, जबरदस्त किस्म का आप एक रेस्टोरेंट खोले,
ट्रेनिंग करवा रहे हैं जी, और खुद नहीं कर सके तो मैंने इन सब में बात मैं कर रही हूँ ऑफ द स्क्रीन, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें एकेडमियां के थ्रू, ताकि जो चीजों में हमारी कमी हो प्रोफेशनली टेक्निक्स के साथ वहाँ सीख सके। अच्छा, दूसरे समय मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि लोग स्पेसिफिकली बचपन में यही बात करते थे कि अच्छा जी बड़े होकर या तो पायलट बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। चलिए भाई आके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है उसमें ऐड हो गया है, लेकिन अब लोग इस तरफ भी जा रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी लड़के को देखती हूँ कि किसी लड़के को शौक है कुछ खाना पकाने का, तो जब माएँ कहती है कि नहीं भी मैं तो अपने बच्चों को कराऊंगी शेफ का कोर्स कराऊंगी, तो ये प्रॉपर फील्ड है भाई, मतलब ये रेस्टोरेंट्स कहाँ बंद होने वाले, खाना पीना हमने जिंदगी में कहाँ छोड़ना है, तो ये भी फील्ड है, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है आप उसको सपोर्ट करें। बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के अंदर तो ये एक फिनोमेना डेवलप हो गया कि अगर आपके पास आप बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपका कोई भी आपके माँ बाप ने अपनी मर्जी से आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको जो पैशन है अगर आपने उसी अगर आप फोन कर रहे हो क्योंकि इससे पैसा नहीं लग रहा इतना, छोटे तबके पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम कितने ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट देखते हैं, ऐसे बर्गर जो है पॉइंट्स वगैरह देखते हैं जहाँ पर लोग बाहर से पढ़ के अमेरिका छोड़ के उन्होंने कह दी जी हमें तो ये बर्गर बनाने का शौक था और हम पाकिस्तान में आके अपना बर्गर बेचे, बड़े बड़े उनकी शॉप्स हैं, बड़े बड़े उनके कैफेज हैं, लोग ये कर रहे हैं लोग खुद बना रहे हैं। सो ये इसमें भी अगर आपका बच्चा जाना चाहता है तो अपने बच्चों को ना आपने रोकना नहीं है। अच्छा जी, निशा जी जो स्पेशली दाल चावल इनका बड़ा मशहूर है, और ये जो मैं देख रही हूँ ये क्या है, मुझे निशा जी ये बताएं जो पक रहा है यहाँ पे, चिकन 65 है। अच्छा, ये आपकी स्पेशल डिश है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है आपके इसमें? सबसे ज्यादा तो वैसे दाल चावल और कड़ी पकौड़ा। आपने किन हालात में शुरू किया काम? किन हालात में शुरू किया? असल में हम लोग सऊदीया में रहते थे, दो बच्चे मेरे वहीं हुए, तीन बच्चों को मैं लेके गई थी, फिर आखिर में बेटी और हुई यहाँ पर पाकिस्तान में। उसके बाद ये कि अभी पिछले साल मेरे हस्बैंड जॉब से रिटायर हुए, कुछ करने के लिए नहीं था, काफ़ी पैसे थे लेकिन पता नहीं कहाँ खर्च हो गए, यूनिवर्सिटियों में खर्च हुए, कॉलेजेस में खर्च हुए, बच्चों में बहुत डेढ़ दो दो लाख रुपया माशाल्लाह बच्चों को दे, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ माशाल्लाह, मैं अच्छे खाते पीते घराना था पिछले साल, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था माशाल्लाह, लेकिन पता नहीं क्या हुआ एकदम हालात। तो फिर मैंने कहा भाई क्या करना चाहिए, मैं कहा यूँ करने से बेहतर है तो अल्लाह है ना ऊपर, चले खाली दो साल से मैं शौक के हाथों मजबूर थी, मैं अपनी बेटी से क्लिप बनवा के मूवी डलवा के करके धनिया जल्दी आओ बघार देरियों में जल्दी आओ ये डालो धनिया, मैंने चिकन 65 तैयार कर रही है जल्दी आ जाओ। अच्छा, मैं बहुत सारी तस्वीरें ना बच्चों से डला धनिया बनाती हूँ घर में, दो दो तीन तीन देखे तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, अकेली अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चे बड़े खुश होते थे, कहते अम्मी हम हेल्प करें। नो, हलीम को मैं हाथ नहीं लगाने देती किसी को, खाली मैं अकेली तैयार करती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ ग्रीन मसाला काट के देते थे मुझे, बहुत हेल्प करते थे, बहुत हेल्पफुल हैं। हाँ, तो केयर भी बहुत करते हैं। तो कहने लगे भाई आप कर लेंगी? मैं कहा करेंगे और अभी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे पहले ही इन्होंने शुरू किया, कितना टाइम हो गया आपको? हमें 23 जून को हमने शुरू किया फ्राइडे को। हाँ, और अभी हमें 18-19 दिन हुए। ये देखे ना, मतलब जबरदस्त, और मेहनत में किसी किस्म की आ नहीं है। जितने भी यहाँ पे सब लोग हैं ये सारे अच्छी फैमिली से लोग हैं, ये वो है जो कि हालात से मजबूर होके, मतलब ऑफ कोर्स जो शरीफ लोग होते हैं उन्हीं को पता है कि हमने हाथ, जो खुददार लोग होते हैं वो अच्छे ही हसब नसब से होते हैं, उनको होता है कि नहीं भाई हम खुददार लोग हैं, हम खुद आगे जाके काम करेंगे। हमारे पास हमारी अरीबा हैं, हमारी साबरा जी हैं, शरीफा जी हैं और निशा जी हैं, ये तमाम तर वो ख़वातीन हैं जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती। कहने का मकसद ये कि अगर आप लोगों के घर में भी ऐसा कोई मसला है तो मतलब शर्म ना खाएँ, इसमें हया ना खाएँ। अगर ये ख़वातीन कर सकती हैं, कैसे कैसे बैकग्राउंड से जाके, वो देखिए वो इतनी छोटी माँ थी, 16 साल की थी अरीब, उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद फिर दो बच्चे उनके माँ बाप की इकलौती, कोई भाई भी नहीं जो साथ आके खड़ा हो, कहाँ जाके समोसे पकौड़े लगाना शुरू किए। All are the brand owners. Yes, और ये पूरी दुनिया में, ये तो हम अब कार सिस्टम पर आए इस अभी 2-3 साल में, वरना पूरी दुनिया में कार सिस्टम होता है, मूवेबल होता है, जहाँ दिल चाहे आप खड़ा करें और बेच भाई आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप सबसे वो आप कहते हैं कि जी तरक्की याफ्ता ममालिक चले जी न्यूयॉर्क चलते हैं, अगर उसमें भी अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे कार सिस्टम, वहाँ पे क्यों सर वो तो बहुत है ना, और लोग बना के बेचते हैं, तो इसमें कोई किसी किस्म की जो शर्म आनी। अच्छा जी, इनके बर्गर्स भी बड़ी स्पीड है ये तो, आप अपनी कोई लिखने के स्पीडी जिंगर बर्गर अपना नाम रख लें आप मुझे लग रहा है आपने कहा स्पीडी समथिंग कुछ जो फास्ट है, फास्ट एंड फ्यूरियस, नहीं फ्यूरियस तो नहीं लेकिन काम भी आप बड़ी जल्दी करती हैं। कितने एक दिन में बर्गर बिक जाते हैं आपके? मेरा अभी थोड़ा सा हालत की वजह से थोड़ी सेल कम है, 30-40 बर्गर बिक जाते हैं हालत की वजह से, आजकल जो महंगाई ये चल रही है, जो महंगाई की वजह से, और जिस जगह मैं खड़ी हूँ ना काफी सन्नाटा है। हाँ, अब यकीन करें कि वहाँ फायरिंग भी होती है, चोरी भी होती है, मैं उस जगह पे खड़ी हूँ
लेकिन मैं डर नहीं रही हूँ क्यों, मुझे अपने बच्चों को पेट पालना है, माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, मुझे अच्छे बच्चों के लिए मैं तालीम जाती हूँ और मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ मुझे इतनी हिम्मत दे कि मेरा बच्चा पढ़ ले, बिल्कुल पढ़े, और मेरी बेटी भी इतना काम कर ले जो जो अपना पैर पर खड़ी हो सके। मुझे बताएं तो फिर आपके साथ कभी अफसोसनाक वाक्य तो नहीं पेश आया? हुआ है लेकिन मैं हिम्मत नहीं आती, मैं वही जगह पर अभी तक खड़ी हूँ। यानी कि आप पैसे कमा के जब घर जा रही होंगी तो आपसे किसे पैसे लूट लिए? एक दफा हुआ है, इस तरह हुआ है, लेकिन देखिए इसके हिम्मत नहीं आती, क्यों मैं हिम्मत हारूंगी तो मेरे बच्चों को कोई खाना नहीं देगा, कोई नहीं खिलाएगा मुझे, घर का रेंट भी भरना है ना, कोई भी नहीं, चाहे आपको कोई भी हो, भाई हम आपके हमें इनको हिम्मत देनी है, और हमें इनको हिम्मत, हमने वैसे किसी तरीके से इनको हेल्प नहीं देनी, हमने जाना है और हमने इनका जबरदस्त जिंगर बर्गर, ये जो क्लब सैंडविचेस बनाती हैं, हमने ये जाके खाने हैं, इंजॉय करने हैं। मुझे बताएं अगर कोई ऑर्डर करना चाहे कि जी मैंने शरीफा जी का जिंगर बर्गर ऑर्डर करने, तो वो कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं, मेरे फूड पर लगा हुआ है, HM फ्रेड के नाम से लगा हुआ है, ठीक है, और आंटी बर्गर के नाम से, मीडिया की वजह से आंटी बर्गर के नाम से काफी मशहूर हो जी। हाँ अब मैं ना आपको कह नहीं, आंटी बर्गर में कहूँ ना, मैंने कहा बुरा ना मान जाए, नहीं नहीं मुझे हर नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती कि मेरा काम है, ठीक है, अगर मुझे जाके गाड़ी में भी सर्व करना हो तो उसमें मैं शर्म नहीं करती, क्यों मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे शर्म आएगी तो फिर फायदा क्या है? मैं सबसे ना के प्लेटफॉर्म से कहूंगी कि बहुत सारे लोगों के घर में बर्थडे पार्टीज होती हैं और बच्चों के बहुत सारे पार्टीज होती हैं, आप लोगों के ब्राइडल शावर्स हो रहे हैं और आप लोगों को लाइफ आजकल बड़ा शौक हो गया है लाइफ केटरिंग करवाने का, बर्गर सैंडविचेस, तो आप होम एंटरप्रेन्योर से कॉन्टेक्ट करें, आप बड़े ब्रांड्स के पास हैं, उनके पास ऑलरेडी शॉप है, बहुत लोग आते हैं, आप इनको अपने घर बुलाएं, ये आपको वहीं फ्रेश हाइजेनिक तरीके से आपको बर्गर्स बना के देंगे, सैंडविचेस, दाल चावल, ये सब ये दावत का भी पार्ट बन जाएंगे और आपको सस्ते में अच्छा और बेहतरीन और अच्छे से की मदद कर सकते हैं। मैंने भी अपने बच्चे की बोते वैसे ही किया था, तो जिन्होंने गोल गप्पे लगाए थे ना वो खातून वाली, इतने बेहतरीन नहीं, और मुझे मतलब एक चीज़ की खुशी होती ना कि मुझे लगता है यार ये बरकत मेरे अच्छी होगी और अल्लाह मेरे बच्चे के लिए अच्छा करेगा, क्योंकि ये खातून आके जो मेहनत कर रही है ना, ये इनकी वजह से आप तो बुलाने था ना, आप किसी कार्ट वाले को बुला लेती तो ये बाकी आप और आपकी जो खवातीन घरों में मिलाद होते हैं कुछ भी, तो मैं कहती हूँ आपके घर में भी इतना काम होता है कुछ भी ऐसी चीज़, तो आप ज़रा रेस्ट करें, बाकी चीज़ों पर तवज्जो दें और बाकी इनको ज़रा मैनेज करने दें, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनके लिए ज़रिया बने कि ये माश में जो और किसी तरीके से हेल्प नहीं मांग रहे, बस आप आएँ इनका खाना खाएं, इंजॉय करें। और दुनिया बात करिए जनाब, आप देखें यूट्यूब पे हमने वो देखी स्पेसिफिकली वो कौन सी खवातीन है कराची में जिनके फूड स्टॉल्स हिट हैं, तो हमने उनको बुलाया, आपने सीखा भी, जाना भी कि भाई क्या क्या मुश्किल उन्होंने फेस किए, तो फिर हम लोग क्या चीज़ें, तो अब ज़रा मेरे ख्याल से आए, ज़रा समय ज़रा चख भी लेते खाना, आ जाए जी, मैं ज़रा मेरा जिंगर बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ मैंने कल रात खुशी से खाना ही नहीं खाया कि अच्छा ये आ रही है, लेकिन ना वो खाऊंगी मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। अच्छा कोशिश उन्होंने पूरी वो कर दी, इसको और इसकी ज़रा हाफ बाइट करते हैं, इसकी और हाफ बाइट करते हैं, समिया आप भी ज़रा आ जाएँ, और ये आपने क्या बनाया मुझे बताया निशा जी, ये कड़ी है, ये कड़ी दाल है, वो कड़ी पकौड़ा कल जी, ये राइस है, हरी मिर्चों के, अच्छा ये इसमें ज़्यादा मिर्चें तो नहीं होंगी? नहीं ज़्यादा तो नहीं है, खाएंगे तो पता चलेगा, खाएंगे, अच्छा बिल्कुल ही खाएंगे तो पता चलेगा जी। ये जो चिकन 360 जो आपने बनाई, ये मुझे बताइए 365 सॉरी हाँ, जो चिकन 365 है इसको किस चीज़ के साथ आप सर्व करती हैं ये बताएं? वैसे तो ये राइस के साथ चलते हैं, ये तो सिंपल राइस है, हम इसको वैसे ट्राई कर लेते हैं, वैसे आप करें तो ज्यादा है ना, हम इसको वैसे ट्राई कर लेते हैं, या फिर चपाती से या पूरी पराठा, हम इसको वैसे जो है वो ट्राई कर लेते हैं, मेरे नहीं बर्न था बट वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस, समोसे पकौड़े कॉर्न डॉग्स, और बचपन से हम सब बच्चे ना बर्गर के शौकीन तो बड़े होते हैं, मतलब और कुछ अच्छा लग रहा है, हर उम्र के इंसान को बर्गर तो ज़रूर अच्छा लगता है, ये बहुत भाई कोई बात नहीं है, वो अब मुझे अंदाजा है, बहुत सारे लोगों को बर्गर वैसे भी अच्छा लगता है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो भी बर्गर हो, बर्गर हो, बन कबाब से बर्गर, हाँ बन कबाब से बर्गर, लेकिन जब बन कबाब को कोई बीट नहीं कर सकता, आप टीम बर्गर या बन कबाब? अंडे वाला बन कबाब, अंडे वाला बर्गर, मुझे भी अंडे वाला बर्गर बहुत अच्छा, और वो केचप वाले चिप्स, और गंदी कोला, वो नहीं अच्छा नहीं कोला दूसरी वाली, लेकिन वो जो बचपन में ना वो होता था कि वो जो केचप होती थी ना उसको दानेदार केचप टाइप होती थी, हाँ। केले से, और घर वाले कहते थे बेटा तुम इससे अच्छा हम घर में बना के देना, कहते नहीं वो पता है वो आलू के बनता है केचप, वो जो गंदे वाला केचप होता है वो आलू का बनता है, एग्जैक्टली कोई बात नहीं, आलू मुझे बचपन से अच्छे लगते हैं। चले जी तो ये जरा अभी मैं ट्राई करती हूँ,
मतलब टीवी पे ट्राई थोड़ी करूंगी, पता लिपस्टिक खराब हो जाएगी तो अच्छी भी नहीं लगूंगी थोड़ी सी, और प्यारा भी लगना जरूरी होता है ना, क्या करूँ मॉर्निंग शो होस्ट हूँ। लेकिन जनाब बहुत मजेदार मेरा शो था, प्लीज इतनी खवातीन आई थी आप लोग इनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्यों भी सही कह रही हूं, बिल्कुल सपोर्ट करें, आप इनको अपने घर की दावत का हिस्सा बना सकते हैं, इनसे ऑर्डर करें सैंडविचेस, देखें मुझे तो सैंडविच देख के बड़ा मजे का लग रहा है, आप भी देखें कितने हेल्दी हैं। आप फ्राइड चिकन बेचती हैं शरीफा जी? बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त, मैं कहती बड़े बड़े ब्रांड्स को ही पीछे छोड़ रही हूं। और ये थाई पीस यूज कर रही हैं, थाई पीस यूज करना मतलब सर जूसी और मेन इंग्रेडिएंट है जिंगर का, जब आप थाई पीस यूज करते हैं यूजुअली लोग जो हैं वो चेस्ट पीस यूज करते कड़क हो जाता है, स्टफ हो जाता है, सख्त हो जाता है, और ये महंगा पड़ता है, ये महंगा पड़ता है जी, और उस पर अगर वो बना रही है तो आप उनको प्लीज सपोर्ट, जबरदस्त मजेदार। चले जी आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शादरी आबादरी, और आज इनके ठेलों पर जाके इनके बर्गर्स, इनके कॉर्न डॉग्स, इनके समोसे, पकौड़े, इनके दाल चावल जरूर खाइएगा। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।